हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम की चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म था, वो इलेक्ट्रोलाइट हमने समझा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, हम लोगों ने इन बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और एक नया पॉइंट हमने वहाँ पे डिस्कस करके पता चला था हमें, जिसे हमने अल्फा से डिनोट किया था, और इसको हमने क्या बोला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो थी वो बताती थी कि ये जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और हम लोगों ने देखा था कि जहां अल्फा की वैल्यू 1 होती थी, उसका मतलब वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब एक से ज़्यादा तो डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, पर एक से कम कितना है वो डिसाइड करेगा कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और कुछ हमने एक दो एक्सपेरिमेंटल केसेस आपको बताए थे, जहाँ पे हमने कहा था कि इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन 20% डिसोसिएटिंग, तो उसको हम वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरीज में किया था। और मैंने आपको एसिटिक एसिड का केस लेकर के हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम में जब लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने उसको प्रेडिक्ट किया था, तो एक रिलेशन हमारे पे फाइनली ये मिला था, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, ये हमने रिलेशन देखा था। अभी इसको इंटरप्रेट करना बाकी है और इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हमारा और चलना है। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करने वाली कोई भी जो भी फैक्टर्स होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला केस हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्लेम कर रहे हैं, वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत हमने इसके ऊपर जरूर डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट का अपना नेचर कैसा है, वो एक सबसे बड़ी बात है ये बताने के लिए कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा रहेगा, मतलब वो पार्शियली टूटेगा या कंप्लीट टूटेगा या वो किस हद तक टूटेगा, ये उसके नेचर के ऊपर है बच्चों, है ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे होता है वो उसका केमिकल कंपोजिशन डिसाइड करता है ना। आप लोग ये समझिए कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके बीच में बना हुआ बॉन्ड उतना वीक होगा, है ना। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इस बात को तो आप लोगों को पहले लेक्चर से समझ आना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ इफ ए एंड बी इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कहने का मतलब दिस इज वेरी वीक, ठीक है ना। और जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये इलेक्ट्रोलाइट वीक होता जाएगा, है ना। इसको जैसे जैसे ये बॉन्डिंग मजबूत होती जाएगी इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता जाएगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। इस केस को हमने लास्ट टाइम कहा था कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक होगा तो इन लोगों का, इन दोनों का डिसोसिएशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ठीक है ना। आयनिक केसेस में भी, सारे के सारे केसेस ऐसे नहीं होंगे, मगर मैक्सिमम केसेस में जहां आयनिक होगा, आयनिक बॉन्ड के टूटने का जो सीक्वेंस होगा, तरीका होगा, वो इजीली टूट जाने के कारण वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और इसके वनस्पत, अगर हम ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सी एंड डी देखते हैं जिसके बीच में ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं इजीली नहीं टूटेगा, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो बॉन्ड जो है, बॉन्ड विल डिसाइड कि किस तरीके के ये इलेक्ट्रोलाइट है, है ना? जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, आपको जैसा कि डिस्कस किया गया है। तो आप सबसे पहला पॉइंट जो इसमें बोलेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर डिसाइड करेगा कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा है, है ना। तो आप इसको चाहे तो हिंट के लिए लिख सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कोवेलेंट बॉन्ड
बॉन्ड इक्वल्स टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये एक पॉइंट इसमें जो है याद रखने वाला, ध्यान रखने वाला पहला पॉइंट है, जो कि है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाला, ये है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगेन इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और उस समय इलेक्ट्रोलाइट अपने कंपोनेंट आयंस में टूटता है, है ना। तो जो सॉल्वेंट है उसका भी अपना कोई रोल होता है बच्चों, है ना। ये रोल अगेन आप इसकी बॉन्ड में इफेक्ट से देख सकते हैं। अगर जिस सॉल्वेंट में इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जा रहा है, अगर उस सॉल्वेंट में ये बॉन्ड वीक हो जा रहा है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और जिसमें ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है वो सॉल्वेंट जो है इसको क्या कर देगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बना देगा। तो इस तरीके से जो सॉल्वेंट का नेचर है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को अफेक्ट करता है। इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों ने जब इसको डिस्कस करना शुरू किया था तो हमने कहा था कि अक्सर हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो वाटर लेते हैं, ठीक है ना। वाटर जो है, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। वाटर एक ऐसी चीज है जो कि खुद भी कुछ हद तक अपना भी टूट जाती है, टूटने के बाद वो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। चूंकि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करती है, खुद टूटती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं। ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब खुद से टूट जाने की प्रवृत्ति। अब जो सॉल्वेंट ही टूटा हुआ है, देखिए जो सॉल्वेंट खुद ही टूटा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट को टूटने में तो मदद करेगा, वो तो चाहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट टूटे। तो वाटर जब हम लेते हैं, जिस केसेस में वाटर लेते हैं, वाटर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को टूटने में मदद करता है। कहने का मतलब है इसकी ब्रेकिंग को फैसिलिटेट करता है, इम्प्रूव करता है। इसलिए कोई अगर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, जब भी उसको वाटर में डालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ जाएगी, और ये सबसे ज्यादा पोलर कंपाउंड है। इसका डाया इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इस चीज का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, मतलब इस वाटर सॉल्वेंट में दो अलग अलग आयनों के एग्जिस्ट करने का जो रेट है वो किसी भी सॉल्वेंट से ज्यादा है, ठीक है। इसलिए अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डाला जाता है तो वो अच्छे तरीके से डिसोशिएट होता है, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बढ़ जाती है। जबकि अगर इसी केस में अगर हम वाटर को हटा करके इसकी जगह मीथेनॉल या इससे थोड़ा सा लेस पोलर या और कम पोलर लेके आए, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको किसी बहुत पुअरली पोलर सॉल्वेंट में, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म में, CCl3 में डाल दें, तो ये केस पॉसिबल है कि ये AB अब इलेक्ट्रोलाइट न रह जाए, इसका डिसोसिएशन खत्म ही हो जाए, टूटना ही बंद हो जाए। तो इस तरीके से सॉल्वेंट का इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट भी इसमें जो है समझना बहुत जरूरी है। इसी बात को मैं आपको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये ए बी टूट करके ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बना सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, मगर जब इसको किसी सॉल्वेंट में डाला गया जो खुद ही आयनाइज था, ठीक है ना, जो खुद ही आयनाइज था, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर की हमने बात की, तो वो खुद ही आयनाइज था, तो उसने टूट करके अपने आप ही अपनी जो उसकी अपनी स्टेट है वही डिसोशिएटेड है। तो ये डिसोशिएटेड स्टेट इनको क्या करेगी, प्रमोट करेगी, इस रिएक्शन को ऐसे प्रमोट करेगी कि तुम भी आयन बनो और हम लोग क्या है आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। देखिए, ये इसके लिए पॉसिबल सेंटर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है आगे की तरफ मूव करेगी। आपने इक्विलिब्रियम में देखा कि इसमें बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, तो इस केस में क्योंकि ये यहाँ पे है, इसके लिए एक सेंटर पॉसिबल है, अवेलेबल है, इसलिए ये रिएक्शन जो है आगे की डायरेक्शन में ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका डिसोसिएशन बढ़ गया, आगे रिएक्शन बढ़ गई, मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ गया, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में पता चल सकता है। ये हमने दो फैक्टर डिस्कस किए। इसके बाद थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ टेम्परेचर।
नेचर ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर देखिए, नेचर ऑफ टेम्परेचर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. हम किसी इलेक्ट्रोलाइट लाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक डेफिनेट टेम्परेचर में कह सकते हैं. अगर उस टेम्परेचर को हमने घटा या बढ़ा दिया तो फिर उसकी इलेक्ट्रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट और बढ़ जाएगी, है ना. मतलब है कि टेम्परेचर का इफेक्ट डिसोसिएशन में डायरेक्टली पड़ता है. इस चीज़ को तो आप बहुत ऑब्वियसली ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए इनको एक एनर्जी चाहिए. भाई अगर हम इनको एक एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल फ्री होना चाहिए, ये लोग मतलब फ्रीली इधर से उधर मूव करना चाहेंगे, है ना. तो उसके विद द रिजल्ट क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, है ना. ये अभी तक एक दूसरे से बंधे हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि ये दोनों सेपरेट हो जाए. अब अगर हम इनको टेम्परेचर देंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इधर से उधर मूव करने की कोशिश करेंगे, और विद द रिजल्ट क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा. तो टेम्परेचर भी इस बॉन्ड के टूटने में या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाने में मदद करेगा, हेल्पफुल होगा, है ना. ये एक अगला फैक्टर है. बच्चों इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिस्कस है और है, ये फोर्थ फैक्टर जो है ये है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बढ़ा देना, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल चीनी को, एक चम्मच चीनी को एक गिलास में डाला, घोल दिया, या फिर एक चम्मच नमक को एक गिलास में डाल के घोल दिया. अब उसमें एक गिलास पानी और डाल दो तो हमने डाइल्यूट कर लिया, है ना. इसको कहते हैं डाइल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कंपोजिशन बढ़ा देना, उसकी अमाउंट बढ़ा देनी, सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ा देनी. तो डाइल्यूट करने पे, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है या बढ़ता है, इस पॉइंट को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे. तो देखिए हमने अभी एक केस देखा था इससे पहले, CH3COOH का. हमने एसिटिक एसिड को देखा था कि एसिटिक एसिड एसीटेट आयन में टूटता है ना. ये एसीटेट आयन और प्रोटॉन में टूटता है क्योंकि इससे प्रोटॉन निकलता है, इसलिए हमने इसको एसिड कहा. और ये वीक एसिड था क्योंकि इसका अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, एक से छोटा था, इसलिए इसको हमने क्या कहा था, वीक एसिड कहा था. अच्छा, शुरुआत में एट टी इक्वल्स टू 0 में, 0 टाइम पे अगर इसकी कंसंट्रेशन सी थी तो इन दोनों की कंसंट्रेशन 0-0 थी. ये हम लोगों को शुरुआत में मानना ही होता है क्योंकि अभी कुछ रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है. और कुछ टाइम बाद, से फॉर एग्जांपल 1-2 घंटे सॉल्यूशन को डाल के रखने के बाद, हमने देखा कि इस सी में से सी अल्फा अमाउंट डिसोशिएट हो गई, है ना. सी अल्फा अमाउंट डिसोशिएट हो गई तो वो सी अल्फा इसके और सी अल्फा इसके आयंस बन गए, मतलब ये भी सी अल्फा बन गया और ये भी सी अल्फा बन गया. देखिए, है ना, इतनी अमाउंट सी ओ एच की टूटी. तो एक एक मॉलिक्यूल इसका टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल ही इसका बनेगा और एक इसका भी बनेगा. अगर इसके सी अल्फा टूटे होंगे तो इसके भी सी अल्फा बनेंगे और इसके भी सी अल्फा बनेंगे. तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ये टाइम है टी एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है. अगेन इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है, जैसे साम्यावस्था हमने कहा, एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन दोनों की कंसंट्रेशन स्टैटिक हो जाती है, ठीक है ना, एक स्तर में आकर के रुक जाती है. इसके बाद रिएक्शन ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है. इसको हमने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कही है. अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो वहाँ पर हमारा एक रूल लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री का रूल लगता है, जिसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन कहा है, ना, मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें पता है इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा बच्चों, वो के इज इक्वल्स टू इसकी कंसंट्रेशन, है ना, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. इससे हमें इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब हमें यहां से पता है कि प्रोडक्ट में इसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन भी सी अल्फा है, जबकि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन सी माइनस सी अल्फा है. तो हम इन सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहाँ पे एक बार के लिए लगा देते हैं. तो हम कहेंगे यहाँ पे सी अल्फा,
इंटू सी एल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी एल्फा, ठीक है। यहां से हम लोग सी को कॉमन ले सकते हैं, है ना। सी अगर हमने यहां से कॉमन ले लिया तो ये वन माइनस एल्फा हो जाएगा, ओके। सी से हम सी को कैंसिल कर सकते हैं और यहां पे हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा का केस बन गया कि ये हमने एक तरीके से डब्बे में बंद कर दिया बच्चा। इस केस में आप देखें एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। एल्फा जो चीज है, एल्फा एल्फा कहा गया है कि वीक एसिड्स के लिए एल्फा एक से छोटा होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे कोई चीज वीक से वीक होती जाएगी, वीकर होती जाएगी, तो वो अल्फा की वैल्यू एक की कंपैरिजन में बहुत कम होती जाएगी। और अगर हम बहुत ही ज्यादा वीक एसिड्स की बात अगर करें तो ये अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसको कि एक के कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान सकते हैं। मतलब हम मान सकते हैं कि एक में से बहुत कम को घटाया तो भी वो एक ही आएगा, है ना। तो ये विद द रिजल्ट ये वाली वैल्यू को हम वन मान सकते हैं। तो मैं यहां से इस वन माइनस अल्फा को हटा करके वन ही लिख देता हूं, है ना, वन ही लिख देता हूं। ये तो एक ही बात हो गई, वन, और उस वन को भी हटा ही देते हैं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं। तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई, यहां पे आ गया रिलेशन k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, जहां से हम अल्फा अगर निकालना चाहें तो अल्फा विल बी k अपॉन सी, और ये रूट लगा देंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर था। तो हमारी जो इक्वेशन कन्वर्ट होगी बच्चों, ये अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी में कन्वर्ट होगी। अब यहां से सारी चीजों को पहचाने, ये क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या है कंसंट्रेशन, ठीक है कंसंट्रेशन। अब आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कंसंट्रेशन के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट क्या आया कि डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती जाएगी, है ना। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन के अपोजिट होता है। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था डाइल्यूशन, जहां पे सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं, अगर हम सॉल्वेंट को कम करें तो उसको उसको क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड एक ही चीज है, देखो ये कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब है कंसंट्रेशन का कम होना, और कंसंट्रेशन के कम होने का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बढ़ना। तो इस वाली जो हमने जो रिलेशन सेट किया है, इस रिलेशनशिप के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, विच इंप्लाइज कि एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द अल्फा विल इंक्रीज। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन को कम करेंगे उसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों, ठीक है। तो हमने अभी तक फैक्टर पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, और उस फैक्टर में पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था। हमने समझा था कि इलेक्ट्रोलाइट वीक या स्ट्रॉन्ग कैसे होता है उसके बॉन्ड के नेचर के कारण। मैंने आपको आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अक्सर क्या कहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, और इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहां वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने कहा था सॉल्वेंट जो होता है सॉल्वेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जिसको कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, उस प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रोलाइट्स को टूटने में हेल्प करता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट भी होते हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो भी डालो तो वहां पे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तेल, अगर आप तेल में नमक को डालोगे तो नमक तेल में डिसोसिएट ही नहीं होगा, है ना। जब नमक तेल में डिसोसिएट ही नहीं होगा तो नमक को हम इलेक्ट्रोलाइट कैसे कह देंगे, जबकि हमें पता है नमक तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आप लोगों ने समझा स्ट्रॉन्ग या वीक
होना भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी नेचर ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो टूटना तो फैसिलिटेट होगा ही होगा, ब्रेकिंग ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड जो है वो इजी हो जाएगा, और जब ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड इजी हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर किसी का अल्फा 10^-6 है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 10^-6 से 1 की तरफ मूव करता जाएगा। और कोई ऐसा केस भी हो सकता है, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिस केस में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए, एक ऐसा टेम्परेचर पॉसिबल है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। तो ये सारे के सारे जो है इंटर रिलेटेड मैटर्स हैं। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जिसमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हमने पूरे इस कैस्केडिंग के थ्रू, ये जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया इसके हिसाब से हमने पाया कि जो कंसेंट्रेशन है वो अल्फा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम डाइल्यूट करते जाएं सॉल्यूशन को तो उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने बच्चों समझ लिया था, मैं इस चीज को रब कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज को आपने अब तक लिख लिया होगा और साथ साथ इसको भी रब कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है उस फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट आप अपनी कॉपियों में लिख दीजिए, क्योंकि ये एक श्योर शॉर्ट शॉर्ट नोट है, एक श्योर शॉर्ट शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट नोट जरूर आता है। और इस शॉर्ट नोट का नाम है, फिफ्थ फैक्टर का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। शॉर्ट नोट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। एक ऐसा इफेक्ट बच्चों पॉसिबल है सॉल्यूशन के केसेस में जो कि इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन डिसोसिएशन को घटा या बढ़ा सकता है, इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए आपको एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं, CH3COOH को अगर हम डिसोसिएट करने के लिए बोलेंगे तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में वो डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसमें आधा पोर्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है आधा पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये आप लोगों को पता है। अब इस एसिडिक एसिड का ये हाल तब हुआ जब हमने इसको वाटर में डाला, वाटर में जब हमने इसको डाला तो वाटर भी अपने आप में डिसोसिएट होता है एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो जब हमने एसिडिक एसिड को वाटर में डाला तो हमने पाया कि एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पर अगर हमने इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से हटा दिया और हमने एसिडिक एसिड को HCl के सॉल्यूशन में डाला तो HCl के सॉल्यूशन में जो डिसोसिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, HCl ऐसे टूटेगा, ठीक है। वाटर कैसे टूटता था, वाटर हमने अभी देखा, वाटर ऐसे टूटता था, देखिए क्या अंतर नजर आ रहा है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमने पहले भी पढ़ा, डे वन के लेक्चर में भी पढ़ा, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत इजीली ऐसे टूट जाता है। मगर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बड़ी मुश्किल से ऐसे टूटता है। तो वाटर भी मुश्किल से टूटता है, एसिडिक एसिड भी मुश्किल से टूटता है, इसलिए विद द रिजल्ट ये जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बस थोड़ी ही ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। पर अगर मैं वाटर की बात नहीं कर रहा, अगर हमारा केस HCl में डालने का है तो जैसे ही हम एसिडिक एसिड को HCl में डालेंगे HCl कहेगा भाई मुझे तो कंप्लीट डिसोसिएट होना है, मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हूँ, ये कहेगा कि थोड़ा बहुत तो मुझे भी डिसोसिएट होना है। अब ऐसे केस में क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जिसमें हमने ये दोनों डाले हुए हैं, ये एक जैसे आयनों की कंसंट्रेशन जरूरत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए इसमें H पॉजिटिव इसने भी दिए और H पॉजिटिव इसने भी दिए, तो विद द रिजल्ट H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी बहुत एलिवेट हो जाएगी। अब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी कि ये H पॉजिटिव ही आपस में रिपल्शन करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इस इफेक्ट को हमेशा ऐसे इफेक्ट को जब एक जैसे कॉमन आयन आ जाते हैं ऐसे इफेक्ट को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है देखें और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों के दोनों एक कॉमन आयन दे रहे हैं तो ऐसे केस में वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कम हो जाता है,
वाला वीक वाला जो है इसका जो डिसोसिएशन हो भी रहा था नॉर्मल केस में वो भी कम हो जाता है, मतलब इसकी बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा प्रबल हो जाती है इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन से। अभी तो दो मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो पांच मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, कहने का मतलब अब इसके डिसोसिएशन के चांसेस जितने पहले थे भी नॉर्मल केस में वाटर में डालने के केस में अब उससे भी कम हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था वाटर के केस में तो जैसे ही HCl में हमने इसको डाला HCl के केस में ये वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कम हो गई, इसकी स्ट्रांगनेस कम हो गई, तो विद द रिजल्ट इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या इफेक्ट पड़ा, अल्फा क्या हो गया बच्चों, इसका अल्फा क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। इसका अल्फा कम हो गया तभी तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इस कॉमन आयन का इफेक्ट क्या कहता है कि जब दो इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रोलाइट वीक है और एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों से जो आयन मिल रहा है वो कॉमन है अगर, तो ऐसे केस में कॉमन आयन के केस में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो है कम हो जाता है, ये ना के बराबर डिसोसिएट होता है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है जीरो की तरफ चले जाता है, जीरो की तरफ, मतलब ये वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। तो अब कॉमन आयन इफेक्ट को हम लोग अगर इस फैक्टर का मतलब लेंगे तो हम कहेंगे कि मैं लिखवा दे रहा हूँ इस पॉइंट को, आप इसको लिख दें, व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन ए मीडियम कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, ठीक है ना। इस पॉइंट को आपने लिख दिया तो ये कॉमन आयनिक फैक्टर है। कॉमन आयनिक इफेक्ट क्या है, एक फैक्टर है जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम करता है, ऑलवेज ये इसको रिड्यूस करता है, इसलिए इस फैक्टर को भी आपको ध्यान रखना है। और एक बिल्कुल लाइकवाइज फैक्टर और है उसको भी जान लेंगे तो आपको एनालिसिस में काफी मदद मिलने वाली है। छठे नंबर का जो फैक्टर है जो कि मेरे ख्याल से इसका आखिरी फैक्टर है हमारे हमारे डिस्कशन में, उसका नाम है डाइवर्स आयन इफेक्ट। डाइवर्स आयन इफेक्ट जहां एक तरफ हमने कॉमन आयन के कारण एक इफेक्ट ऑब्जर्व किया, वहीं हम कुछ ऐसे केस भी देखते हैं जहां पे आयन कॉमन नहीं होते बल्कि डाइवर्स होते हैं। देखिए इस केस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है डाइवर्स आयन इफेक्ट। अगेन आप लोग इसको देखें, यहाँ पे एक रिवर्सिबल का रेशियो था, इसको हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला था और इससे H पॉजिटिव और ये मिल रहा था, ये हमारा रिजल्ट था। अब अगर हमने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को किसी ऐसे मीडियम में डाला जो कि अपने आप में भी वीक था, कोई बात नहीं ये वीक हो स्ट्रांग हो इससे कोई खास मतलब नहीं है, अगर ये स्ट्रांग होगा तो भी कोई बात नहीं, हालांकि ये अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया का सोल्यूशन इसका नाम है। जब ये बच्चों टूटता है तो ये अमोनियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में टूटता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पे कोई भी कॉमन आयन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा आयन नहीं दिख रहा जिसके कारण इस पीक इलेक्ट्रोलाइट को उल्टा आना पड़े, ऐसा कोई आयन नहीं दिख रहा है, बल्कि हमें इस रिएक्शन को देख के एक बात लग रही है कि अगर इन दोनों को ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लब कर लें तो ये तो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, है ना, और शायद ये दोनों भी एक दूसरे से अगर जुड़ जाए तो ये अमोनियम एसीटेट बना देंगे, CH3COONH4 बना लेंगे, अमोनियम एसीटेट बना लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब इसने तो बनाना था ये आयन और इसने बनाना था ये आयन, पर इन आयनों ने ही आपस में सांठगांठ करके कुछ नए मॉलिक्यूल्स बना दिए, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स यहां से गए, साफ हो गए, तो ली सेटेलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि
जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उस तरफ मूव करेगा जहां पे होने वाले इफेक्ट को वो कम कर सके। कहने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाने के बाद तुरंत से जो रिएक्शन है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इसका डिसोसिएशन तेजी से होने लगेगा, जो अभी वीक केस था उसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। जब डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंप्रूव। तो यही तो हमने फैक्टर ढूंढना है। तो ये वाला फैक्टर हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा डाइवर्स आयन इफेक्ट। और इस डाइवर्स आयन इफेक्ट को अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्वड इन अ मीडियम व्हिच कंटेन अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग डाइवर्स आयन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आयंस रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स then the breakdown or dissociation of weak electrolyte increases and the degree of dissociation get increase। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों, इसको लिखते हैं। सेम थ्योरी जो पिछले वाले कॉमन आयन इफेक्ट में लिखा, ये दोनों आयन जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये वाला इफेक्ट नहीं मिला तो ये वाला इफेक्ट मिल गया। तो आपको अगर कभी शॉर्ट नोट आता है डाइवर्स आयन इफेक्ट में, तो डाइवर्स आयन इफेक्ट को देने के बाद अच्छा रहेगा कि एक दो लाइन में आप कॉमन आयन इफेक्ट को भी लिख दें। इसी तरीके से अगर कॉमन आयन इफेक्ट को क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कॉमन आयन इफेक्ट को तो पूरा आप दिखाएंगे, पर कॉमन आयन इफेक्ट के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो है डाइवर्स आयन इफेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा दें, सो दैट कि पता चले कि बच्चे ने थॉरो स्टडी किया हुआ है। कभी कभी ये चीज़ें बहुत प्लस हो जाती हैं, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि बच्चे ने इतने थॉरोली इसको पढ़ा हुआ है, तो कहीं आपका कुछ नेगेटिव जा भी रहा होता है तो उसको भी टीचर कोशिश करता है कि सबसाइड करने की। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन अ मीडियम कंटेनिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइवर्स आयन एंड these ions combined to form new molecule, then the dissociation of weak electrolyte increases in order to maintain the equilibrium। ठीक है ना, इसमें कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम को बचाने के लिए इसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है, एक अजीब सी स्थिति है कि जिसमें ये भी कम नहीं होना चाहिए और ये भी कम नहीं होना चाहिए। जिस समय ये कम होना शुरू हो जाएगा तो इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और जिस समय ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जैसे हमने कॉमन आयन में देखा तो इसका डिसोसिएशन घट जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत आगे यूज़ करना है। कुछ बफर सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनमें अगर आप इनको देखोगे आपको ये समझ में आ गया तो वो चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। तो ये हमने डाइवर्स आयन इफेक्ट और ये छह फैक्टर जो हमने बताए ये बिल्कुल सबको थॉरो होने चाहिए। इसके बाद एक बहुत छोटा सा डिस्कशन करेंगे, आज के लेक्चर को यहीं पर रोक देंगे, फिर इसके बाद छोटा सा डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन है हमारा वाटर के ऊपर। वाटर, अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत वाटर को इंट्रोड्यूस किया था इस वाले लेक्चर में भी, मगर मैं आपको पूछूं कि वाटर क्या है, तो वाटर आप लोग कहेंगे कि जी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है मतलब जिसमें किसी चीज़ को डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये बात तो अपने आप में ठीक है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ठीक है, मगर ये सॉल्वेंट भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी। वाटर जिसको मैंने H2O लिखा, ये करता क्या है, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, इस तरीके से कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, वाटर अपने आप के साथ जुड़ करके एक इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना बोले। जब कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड टूट करके दो चार्ज बनाता है सोल्यूशन में, तो हम तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, मगर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट
कायदे से ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि अगर मैं एक वाटर का सोल्यूशन लूँ, सोल्यूशन मतलब वाटर लूँ, और उसको एक इलेक्ट्रिक चार्ज से जोड़ दूँ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दूँ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। ये इतनी कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल रहते हैं, ये आयंस इतनी कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बहुत कम है। ओके, इतनी बात हम लोगों को इसके बारे में पता है। अब मैं इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पता करना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकली निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। देखिए, इसके लिए अगेन वही केस हो जाएगा कि वाटर का शुरुआत में कंसंट्रेशन सी थी, ठीक है ना, इसकी कंसंट्रेशन सी थी, ये जीरो जीरो थे, और नेक्स्ट स्टेप में सी एल्फा, ये भी सी एल्फा और सी एल्फा, ठीक है ना, ये हम इसको कह सकते हैं, या फिर इसकी भी जरूरत नहीं, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसको आगे लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का केस है, जब हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो हम लोग इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वाटर का निकालेंगे, जिसको हम लोग के डब्ल्यू कहें तो बढ़िया रहेगा, मतलब अभी के ही लिख देते हैं, के इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है। ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल भी लिख दिया हमने, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस इसी के साथ हो रही है, तो हमने दोनों के दोनों ये भी लिख दिए यहाँ पे। इस तरीके से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को की जो डेफिनेशन है, जो उसकी सजेशन है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद बच्चों, ये जो है कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, ये क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, जिसको आपको पता है कंसेंट्रेशन को ट्वेल्थ में आपने पढ़ा है नॉर्मेलिटी या मोलरिटी से हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये एक मोलर सॉल्यूशन है। अभी कितना मोलर का सॉल्यूशन है आप पूछोगे, तो हम कहेंगे भाई इसके एक लीटर सॉल्यूशन में 1000 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल है, 1000 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम वेट का वाटर है ना। तो ये 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 18 ग्राम वाटर होता तो वो होता 1 मोल वाटर का सोल्यूशन। देखो 1 मोल के अंदर 18 ग्राम होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है ना, 2 और 16, ये तो 18 हो गया ना, 18 ग्राम अगर होता तो ये 1 मोलर का सोल्यूशन होता है हमारा 1000 ग्राम, अगर 1 लीटर में ना, 1 लीटर में, ये भी 1 लीटर, 1 लीटर की तो बात कर रहे हैं हम, तो ये 1000 ग्राम है, इसलिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 मोल, इतना मोलर का ये सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन, ये जो वाटर का सॉल्यूशन है ये इतना मोलर का सॉल्यूशन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तकरीबन 50 आ रहा है, इसको अगर 20 मान लें तो 20 मान के ये 50 आ रहा है ना, यहाँ से मैं मोटे हिसाब से बोल रहा हूँ 20 मोलर का सॉल्यूशन है। मैं बिल्कुल भी इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग वो कर ही नहीं रहे, हम लोग कुछ और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सोल्यूशन है कि 20 मोलर का सोल्यूशन है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 20 मोलर, भाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 20 मोल। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को मान लेता हूँ 20 20, ये हो गया ये हमारा 20 20, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, तो ये 400 हो जाएगा, 400 इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर बात क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये इधर आएगा तो ये के इंटू जो भी कुछ है, ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम इसको एक डिफरेंट कॉन्स्टेंट के डब्ल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो गया अभी तक, इस वाले एक्सप्रेशन को हमने ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया। ये जो के डब्ल्यू है, इसका नाम हो गया डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वाटर, वाटर के लिए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली जब हमने के डब्ल्यू निकाला, कैसे निकाला, पोटेंशियोमीटर से निकाला, ठीक है ना, जब हमने
एक्सपेरिमेंटली के डब्ल्यू निकाला, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली के डब्ल्यू निकाला तो के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 1.01 इंटू 10^-14 के नजदीक आई, कुछ कुछ इतनी वैल्यू इसकी आई, ठीक है ना। के डब्ल्यू की वैल्यू जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की वो वैल्यू इतनी आई। तो अगर इतनी आई तो इसको बच्चों हम लोग 10^-14 से रिप्लेस कर दें, कोई भी अंतर नहीं आया, 10^-14 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद आगे की कहानी देखो, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखो हटा दी, सारी चीज़ें हटा दी हमने। अब आप बिल्कुल मैदान में दो चीज़ देखो, इससे ये बना और ये इजिकल्स टू ये, ठीक है। देखिए ये जितना मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये टोटल मिलाकर के 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 मॉलिक्यूलों ने यही ये भी 100 बनाया और ये भी 100 बनाया, है ना। 50 मॉलिक्यूल थे तो ये भी 50 बनाए, x मॉलिक्यूल ये थे तो ये भी x बना। बच्चों ये कुछ इस तरीके से है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है ये, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया ऐसे, तो एक मॉलिक्यूल था तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका बना, एक आयन इसका और एक आयन इसका, तो जितने ये टूटेंगे उतने ही ये बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव जो होगा वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना ये बना उतना ही ये बना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। अब एक बार तो मैं मान लेता हूं कि ये, एक बार तो मैं मान लेता हूं H3O पॉजिटिव और इसको भी H3O पॉजिटिव मान लेता हूं, 10^-14, और दूसरी बार मैं इसको OH नेगेटिव और इसको भी OH नेगेटिव मान लेता हूं, ये भी 10^-14, ठीक है। इसको यहां से हटाया, स्क्वायर लिख दिया, इसको भी यहां से हटाया, स्क्वायर लिख दिया, या फिर है ना, स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर हटाया, ये अंडर रूट लिख दिया, ये वाला स्क्वायर भी हटाया, यहां पे भी अंडर रूट लिख दिया, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, बराबर है। ये देखिए दिस इक्विवेलेंट टू दिस इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब अब जो नया रिलेशन हमारे पास आया है ये हमारे पास बच्चों 10^-7 आया, ठीक है ना, ये 10^-7 हमारे पास रिजल्ट आया है। ये हमारा आखिरी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। के डब्ल्यू वाटर कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट इज 10^-14 विच इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि इस एक्सप्रेशन से ऐसे दिख रही थी। अब इन दोनों को बराबर रखने पे हमने पाया कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 10^-7। अब मैंने आपको कहा था कि इनकी कंसंट्रेशन देखिए कितनी आ रही है, 10^-7 मतलब कितनी कम आ रही है, ये 1/10 लाख आ रही है, ये 1/10 लाख आ रही है, देखिए बल्कि ये हो गया 1 करोड़ आ रही है ना, ये 4×7 ये तो क्या आ रही है 1 करोड़, 1/1 करोड़ कंसंट्रेशन आ रही है, इतना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ये। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल, अगर 1 करोड़ वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, 1 करोड़ मॉलिक्यूल हम पे होंगे, तब जाके एक आयन ये और एक आयन ये बन रहा होगा। इसका डिसोसिएशन लेवल कितना कम है, ये कितना वीक एसिड है, कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं इस चीज को आपको बताना चाह रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाकर के आपको एज इट इज हाइड्रोक्सिल की वैल्यू, हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू 10^-7 या हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू 10^-7 या फिर pH इक्वल्स टू 7 जिसे आप कहते हैं वाटर की pH 7 होती है, ये बिल्कुल यहां से कैलकुलेट होना है। जब मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा pH को और हाइड्रोक्सिल आयन को और हाइड्रोजन आयन को कैसे कोरिलेट करना है, तब आप देखेंगे ये पॉइंट जैसे ही आप रखेंगे आपको pH इक्वल्स टू 7 का जो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा तुरंत, है ना। तो बच्चों इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वाटर इस तरीके से क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, मगर इसके बावजूद
हम लोगों ने ये देखा कि वाटर को किसी में घोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। वाटर को हमने जब ऐसे ही रखा तो वो खुद ब खुद टूट गया, जो प्रॉपर्टी किसी खास इलेक्ट्रोलाइट पे भी नहीं होती है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं, अपने आप ही प्रोटोलाइज हो जाना, टूट जाने की प्रॉपर्टी। इसलिए वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए इसके आगे हमने यूनिवर्सल लिख दिया। यूनिवर्सल मतलब जब ये खुद टूट जाता है तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ने में मदद भी करता है, इसलिए ये यूनिवर्सल कैटेगरी का हो गया। सभी के लिए मतलब इसका सॉल्वेंट का इफेक्ट जो रहेगा वो बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा, इसलिए हमने इसका नाम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बच्चों रख दिया। तो ये इस तरीके से हमने ड्राइव किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को पीएच जैसे बहुत सारे कंसेप्ट करने हैं, तो आगे का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो थोड़ा सा एनालिसिस में भी थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड का रहेगा। इसमें कुछ आपको एक्सरसाइज करने को मिलेंगी और पीएच वगैरह निकालने के लिए आपको पीएच वगैरह आप निकालोगे जिनका की बहुत एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जिनका की बहुत यूज़ है आगे जा करके। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।